मैं सबसे पहले तो महमूद खान चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा आपको और आपकी टीम सबको इसकी मुबारक देता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इंशाल्लाह अब आप रेप्लिकेट करेंगे, जो लो कॉस्ट हाउसिंग, मतलब ये कि वो तबका जो कि खुद जिसके पास कभी इतना पैसा नहीं था कि कैश दे के घर बना ले, उसके लिए पहली दफ़ा एक कोशिश हो रही है सारे पाकिस्तान में कि उनके वो भी अपने घर में रह सके। पहले मैं आपकी अपनी जो मेरा फलसफा है ज़िंदगी का और जो मेरी हुकूमत जब से आया हूँ मेरी पूरी कोशिश है कि देखें माशरा जो होता है उसकी पहचान अमीर लोगों के बड़े बड़े घरों में पैसे वाले लोगों की सोसाइटीज़ या जिधर वो रहते हैं, कभी भी एक माशरे की ये पहचान नहीं होती कि उसके अमीर लोग कैसे रहते हैं। माशरे की पहचान तब होती है कि उसका कमज़ोर तबका कैसे रहता है, और जो माशरा अपने कमज़ोर गरीब तबके का ध्यान नहीं रख सकता दुनिया की तारीख में वो माशरा ऊपर नहीं गया। जो हमारे और दुनिया के सबसे अजीम लीडर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जो इनकलाब दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब आया था, जो उन्होंने मदीने की रियासत को एक मॉडल बना के उसके ऊपर एक दुनिया की तारीख का इनकलाब लेके आए थे, उसका बुनियादी फलसफा ये था कि एक माशरे ने एहसास की अपने उस तबके की जो कि कमजोर था, जो गरीब था, माजूर थे, बेवा थे, यतीम थे। ये कभी पहले ऐसा नहीं हुआ कि एक रियासत ने फैसला किया कि सबसे पहले पैसा हो या ना हो इन लोगों को, इस तबके को हमने ऊपर उठाना है। और उसका दूसरा पहलू उसी बुनियाद रखी गई थी उस माशरे की, कानून की बालादस्ती के लिए। कानून की बालादस्ती का मैं बार बार मतलब समझाना चाहता हूं, जो भी हमारे पाकिस्तान में नहीं लोगों को समझ आ रही। कानून की बालादस्ती का मतलब यह होता है कि ताकतवर को कानून के नीचे लेके आना, क्योंकि कमजोर तो बेचारा वैसे ही, उसको तो कानून की इसलिए जरूरत होती है, उसको तहफ़ुज़ चाहिए ताकतवर से। लेकिन जो ताकतवर है वो हमेशा अपने आप को कानून के ऊपर रखता है, वो समझता है उसके लिए प्रिविलेजेस होने चाहिए, वो डाके भी मारे तो उसको कानून को पकड़ना नहीं चाहिए। और जो भी जिसको बनाना रिपब्लिक कहते हैं, बनाना रिपब्लिक वो होती है जिधर वो माशरा ताकतवर डाकुओं के लिए एक अलहदा कानून रखता है और कमजोर के लिए दूसरा रखता है। तो ये दो चीजें होती हैं, एक तो हम लगे हुए हैं जद्दोजहद है, ये बड़ी स्ट्रगल है। आप देख रहे हैं कि ताकतवर कानून के नीचे नहीं आना चाहता, वो कभी पीडीएम जैसे तंजीमें बनाता है या पीडीएम जैसी अलायंसेस करता है, सिर्फ मकसद ये होता है कि हमारे लिए एक कानून है, हमें आम लोगों के कानून की तरह ना रखो, हम कोई खास लोग आए हैं, हम चोरी करें, डाका मारें, मनी लॉन्ड्रिंग करें, हमें आप कानून के नीचे नहीं ला सकते, तो ब्लैकमेल करते हैं। उसी तरह शुगर माफिया है, लोगों को बेचारों को महंगी चीनी गुर्बत पैदा करके कीमतें बढ़ा के और पैसा बनाते हैं, और फिर ना वो टैक्स देते हैं ना वो उनके ऊपर कुछ करें, तो फिर वो भी कहते हैं कि हम कोई खास लोग हैं, और इस तरह सारी जगह ऐसे माफिया बैठे हुए हैं। तो कौम कभी वसाइल की कमी से गरीब नहीं होती, है याद रखना। कौम गरीब तब होती है जिधर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा, इसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं, कानून की बालादस्ती। तो एक ये है, और दूसरा जो अब आज जिसके लिए मैं यहां आया हूं,
एक आदमी की, एक इंसान की बुनियादी जरूरियात पूरी करना एक स्टेट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हमने आज तक कभी सोचा ही नहीं कि जो गरीब आदमी है, जो मजदूर है, जो मैकेनिक है, जो वेल्डर है, जो छोटी दुकान चलाता है, जो छाबड़ी वाला है, ये इनकी भी ख्वाहिश होगी कि अब हमारा अपना घर हो। सबसे बड़ी चीज होती है कि मैं चले सारा दिन मेहनत करता हूं, जो भी करता हूं, शाम को एक ऐसी जगह पे जाऊं जो मेरा घर हो। ये सारे इंसानों के अंदर ये सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है। और सबसे बड़ी एक इंसान को इनसिक्योरिटी यानी एक खौफ होता है सबसे बड़ा कि मेरे और मेरी बीवी बच्चों के सर पे छत ना हो। ये सबसे बड़ा खौफ होता है। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि जब कोई बुरा वक्त आता है, मसलन जलजला आता है, सैलाब आते हैं, और जिस तरह पख्तूनख्वा में कबायली इलाके के अंदर जब वो जंग हुई तो एकदम लोगों को सब कुछ छोड़ के निकलना पड़ा और एकदम वो कैंप्स में चले गए। ये जल्लोजही में भी अफगान बेचारे जब वहां से आए थे मुश्किल वक्त, वो भी यहां रहते थे, लेकिन वो तो फिर भी वो उनके सर पे छत थी। लेकिन ये जो खौफ है, ये सबसे बड़ा खौफ होता है। और हमारे कभी भी किसी हुकूमत ने ये सोचा ही नहीं कि वो बेचारे इन लोगों के लिए हम क्या करें। तो ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हो रहा है। एक प्राइम मिनिस्टर जुनेजो थे, उन्होंने कोशिश की, वो फेल हो गई थी उनकी स्कीम, क्योंकि उन्होंने जिधर घर बना दिए उधर लोग रहना ही नहीं चाहते थे। हम जो ये स्कीम लेके आ रहे हैं लो कॉस्ट हाउसिंग की, पहले हमने पूरी सर्वे की हुई है, रजिस्टर किया हुआ है, हमारे पास रजिस्टर्ड हैं लोग जो कि घर एक छत चाहते हैं, एक घर चाहते हैं। तो उसके बाद फिर हमने उधर से शुरू किया। अब जाहिर है गवर्नमेंट के पास तो पैसे नहीं कि हर आदमी को घर बना के दे दें। कोई भी दुनिया में गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती। अमीर तरीन मुल्क भी अपने सारे शहरियों को घर नहीं दे सकते। लिहाजा इसका एक ही तरीका है जो दुनिया ने एक कामयाब मॉडल बना हुआ है, वो ये कि बैंकों को कहे कि कर्जे दे लोगों को अपने घर बनाने के लिए। तो ये जो स्कीम आई है, इसमें क्या होगा कि हमने पूरी कोशिश की है कि सस्ते घर बने, गवर्नमेंट की जमीन पर बने, क्योंकि अगर जमीन भी खरीदनी पड़े इसकी कीमत बहुत ऊपर चली जाए। उसके बाद गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, हम हर घर के ऊपर 3 लाख रुपए दे रहे हैं कि अगर घर की कीमत 25 लाख है तो वो नीचे आके 22 लाख हो जाए। वो क्यों जरूरी है नीचे लानी? क्योंकि फिर किस्तें, जो एक आदमी किराए की किस्तें देता है घर में रहने के लिए, वही किस्तें वो दे के बैंक को, तो उसका अपना घर बन जाता है। तो हम चाहते थे कि उसकी किस्त नीचे आए महीने की, क्योंकि जितना घर का पूरा कॉस्ट नीचे आएगा तो उतनी उसकी महीने की कम किस्त देनी पड़ेगी। लिहाजा हुकूमत ने 3 लाख रुपया दिया हर घर के ऊपर। और फिर जो कि हमारा नया पाकिस्तान हाउसिंग है, वो उसके साथ मिलकर ये कर रहे हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट और नया पाकिस्तान हाउसिंग मिलकर ये कर रहे हैं, इसलिए 3 लाख रुपया हर घर पे सब्सिडी मिल रही है। उसके बाद हमने बैंकों से, हमारी गवर्नमेंट ने बैंकों से मुआहदे किए हुए हैं कि सिर्फ एक 5 मरले घर पे या कितना इंटरेस्ट, 3% सिर्फ मार्कअप यानी सूद देना पड़ेगा, तो ताकि आसान हो, किस्त ज्यादा ना हो महीने की। और इंशाल्लाह ये अब ये जब शुरू हो जाए, अब बाकी सारे हम पख्तूनख्वा में और भी जगह ढूंढ रहे हैं, जिस तरह का इसकी अभी हमें पूरा, ये तो पहली इसकी स्टेज है, पहला फेज है, ये और बढ़ते जाएंगे ये सारा इलाके में। कितना टोटल आपका इलाका है यहाँ? 9000 कनाल, 9800 कनाल। सो ये पहले फेज पे बनेंगे और फिर सारे इलाके के अंदर। और ये भी आपने अच्छा किया कि आप 4 फ्लोर्स ऊपर लेके जाएंगे। देखिए ये भी बहुत जरूरी है हमारी कौम को समझना कि हमारी आबादी बढ़ती जा रही है और हमारे शहर फैलते जा रहे हैं,
और जिस तरह शहर फैलते जाएंगे हमें प्रॉब्लम आएगा फूड सिक्योरिटी का, हमें मसला आने वाला है कि हमारी जो जमीन है जिस पे हम काश्त करते हैं, अनाज उगाते हैं, वो कम होती जा रही है क्योंकि शहर फैलते जा रहे हैं। इसलिए सारी दुनिया में उन्होंने इसका तरीका ऐसे निकाला था कि वो ऊपर जाना शुरू हो गए, बजाय ये कि इधर फैले वो हाई राइजेस की तरफ जाए, ऊंची बिल्डिंग्स की तरफ जाए। तो इसकी हमें आदत डालनी पड़ेगी, कई लोगों को अभी तक आदत नहीं है लेकिन ये डालनी पड़ेगी क्योंकि वक्त की जरूरत है। हम और जमीन अपनी नहीं इस सर्व हाउसिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते, हमने अपने सारी आवाम को उनको खाना भी देना है, उनकी फूड सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है। तो इंशाल्लाह ये जो हमारी स्कीम है ये अब चल पड़ी है। मैं फिर से कहता हूँ देर इसलिए लगी क्योंकि बैंक पैसे देने के लिए तैयार नहीं थे, अब तक कर्जे देने के लिए नहीं तैयार थे। बैंक क्यों नहीं तैयार थे? क्योंकि कानून था, फंसा हुआ था, पता नहीं 11-12 सालों से फंसा हुआ था अदालतों में, जिसको कहते हैं फोरक्लोजर लॉ। फोरक्लोजर का मतलब कि अगर बैंक, जब तक उनको ये अश्योरिटी ना हो कि अगर कोई किस्त नहीं देता तो वो उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, तो उनके तो पैसे फंस जाने थे, तो इसलिए बैंक पैसे नहीं देते थे। अब ये कानून आ गया, अब बैंक्स को प्रोटेक्शन मिल गई है, इसलिए अब बैंक सामने आ रहे हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अभी बैंक्स को आदत ही पड़ी इस चीज़ की, उनको अभी छोटे लोगों को कर्ज़े देने की उनको आदत नहीं है। और मैं सारे बैंक्स के हेड्स को बार बार कहता हूँ कि अपने ट्रेन करें अपने स्टाफ को कि जब एक गरीब आदमी आता है तो उसको कैसे सर्विस करना है। उन्होंने इसकी वजह से अभी भी स्लो है हमारी जो सारे पाकिस्तान में स्कीम चल रही है, लेकिन ये जो स्कीम है इसके लिए आसानी इसलिए है क्योंकि आपके पास तो ज़्यादा लोग आ चुके हैं, तो आप तो फिर कुरानंदाजी करेंगे उनको देने के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं। हमारी जो जो कोशिश है कि हमारे जो आम लोग हैं, जो हमारे गरीब लोग हैं, उनको ये हुकूमत पूरी प्रोटेक्शन दे। मैं आज पख्तूनख्वा हुकूमत को ख़ास तौर पे खराज तहसीन भी पेश करता हूँ, मुबारक भी देता हूँ कि इन्होंने जो हेल्थ कार्ड दिया, जो हेल्थ इंश्योरेंस है, आपको पता नहीं इस चीज़ का इल्म है या नहीं, अमीर तरीन मुल्क भी सारे शहरियों को हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दे सकते। ये बहुत बड़ी आपने स्टेप उठाया है, और क्योंकि इससे अल्लाह सबसे ज़्यादा खुश होता है। अल्लाह तो खुश होता है जब आप उसकी उसकी मखलूक की मदद करें, और ख़ास तौर पर दुखी इंसानियत की। जब एक घर के अंदर बीमारी हो और उनके पास पैसा ना हो, इससे भी बड़ी बेबसी नहीं होती लोगों के ऊपर। शौकत खानम मैंने इसलिए बनाया था कि कैंसर का बड़ा महंगा इलाज था, तो गरीब आदमी के घर कैंसर हो जाए वो तो बेचारा मकरूज हो जाता था, सब कुछ बेच देता था और फिर भी इलाज नहीं करवा सकता था। तो ये जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस दी है महमूद खान, आपने पहला सूबा सारे पाकिस्तान में जिसने सारे अपने शहरियों को 10 लाख रुपए हर खानदान के पास आपने दे दिया है हेल्थ कार्ड के जरिए, कि वो जाके किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं। ये एक सारा हेल्थ का सेक्टर में इनकलाब आप ले आए हैं, इससे अब अस्पताल बनेंगे सारे इलाकों में। गवर्नमेंट तो इतने अस्पताल नहीं बना सकती, हमारे तो पास मुश्किल से पैसे हैं, जो अस्पताल बने हुए हैं उन्हें सही तरह चलाए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर आके अस्पताल बनाएगा क्योंकि अब हेल्थ कार्ड आ गया लोगों के पास। तो यहाँ जल्लोजई जैसे इलाके में भी जो कभी किसी ने अस्पताल नहीं बनाना था, अब वो आके बनाएंगे क्योंकि उनको पता है कि लोगों के पास हेल्थ कार्ड है, लोग पैसा दे सकते हैं उनको। इससे इंशाल्लाह एक अस्पतालों का जाल फैलेगा पाकिस्तान में और प्राइवेट सेक्टर आएगा, उनकी और भी हम मदद कर रहे हैं, सस्ती उनको ज़मीनें देंगे अस्पताल बनाने के लिए, ड्यूटी फ्री जो पाकिस्तान में कुप्पंडी बनती वो बनवाएंगे। तो एक ये दूसरा आपका हेल्थ कार्ड है, तीसरा पनागा है, ये भी बड़ा ज़बरदस्त काम है और ये भी इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि सारे पाकिस्तान में फैल जाए कि मजदूर बेचारे जो दूर दूर से आते हैं काम करने के लिए, दिहाड़ी लगाने के लिए, पैसे बनाए ताकि अपने बीवी बच्चों को पैसा भेजें, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी सहूलत है कि वो आके एक पनागाह में रह सकते हैं और उनको खाना भी वहाँ मुफ्त मिलता है, वो उनको किराया भी नहीं देना पड़ता, उनको अच्छी वो नहा धो भी सकते हैं और वो फिर जो पैसा बचता है वो सारा अपने बीवी बच्चों को देते हैं। ये भी एक अल्लाह की तरफ से ज़बरदस्त सहूलत है और इस पर पख्तूनख्वा पूरी शिरकत कर रहा है। और मैं ये चाहता हूँ कि अभी से आपको लोकेट करनी चाहिए जगह
काजम आपको देखना चाहिए कि जिधर जिधर भी मजदूर जाते हैं शहरों में, छोटे शहरों में काम करने के लिए, उधर वो जगह आपको लोकेट करनी चाहिए। और ये भी अल्लाह का काम है, इसमें भी इंशाल्लाह उसकी बरकत आएगी हमारे मुल्क के ऊपर। और फिर हमने अब वो जो नया भी शुरू किया है, इंशाल्लाह ये भी कोई भूखा ना सोए कि हमारे पास मोबाइल किचन हो, जो जाएं सारे, जो पता हो एक रूट पे चले हर रोज जो जो गरीब इलाके हैं, ताकि वो जब वह रुकते जाएं और जो लोग बेचारे, किसी को ये ना हो कि वो बेचारा रात को भूखा सोए। तो ये भी एक मेरी ख्वाब है। और इंशाल्लाह ये भी जब हम रियासत मदीना की बात करते हैं तो उसमें ये चीज़ें थी, रियासत मदीना के अंदर इंसानियत थी, एक इंसानियत का निज़ाम, एक फलाही रियासत बनी थी। पैसे नहीं थे उनके पास तब, लेकिन उन्होंने रास्ता दिखा दिया था कि हमने अपने एक इंसानियत का निज़ाम भी बनाना था और कानून की बालादस्ती कायम करनी है। ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब आया था वहाँ। और हम जिस तरह अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जब भी एक मुसलमान माशरा, जब भी वो ऊपर आया है तो वो इन दो, वही मदीना के रियासत के असूलों के ऊपर जाके, तो तब वो वापस ऊपर आया जितना भी नीचे गिरता गया हो। और ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान, जो भी कौम उन असूलों के ऊपर चलेगी वो ऊपर आ जाएगी। तो आज जो आप कौमें ऊपर देख रहे हैं, आप जब स्टडी करेंगे उनको तो आपको पता चलेगा कि उन असूलों पे चले गए हैं जो कि मदीना के असूल थे। आप स्कैंडिनेविया में जाके देखें, आपको हैरत होगी। जब मोहम्मद अब्दू, एक बहुत बड़ा मुसलमान स्कॉलर था, जब वो पहली दफ़ा गया यूरोप, आज से कोई सवा सौ साल पहले मिस्र से वो गया, तो उसने कहा यूरोप में यहाँ तो मुझे कोई मुसलमान तो नहीं नजर आए, लेकिन बड़ा इस्लाम नजर आया। और जब वापस मिस्र गया, कहता मुसलमान तो बहुत हैं, बहुत कम इस्लाम है। तो अल्लाह के ने तो उसूल बनाए हुए हैं, जो उसूलों पे चलेगा अल्लाह की बरकत भी आएगी उस कौम पे, उस कौम को इज्जत भी मिलेगी। तो मैं आज आपको मुबारक देता हूँ फिर से, ये जो आपने बहुत ज़बरदस्त जलोजई में इनिशिएटिव किया है, शुक्रिया।